नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। सिर्फ 12,500 रुपए की मासिक वेतन पाने वाले सहकारी समिति के एक प्रबंधक के पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने छापामार कार्रवाई करते हुए यह संपत्ति जब्त की है। मामला शिवपुरी से जुड़ा है। शिवपुरी के ही पचावली में सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत काम करने वाले प्रबंधक माधुरी शरण शर्मा के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने जब छापेमार कार्रवाई की तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता लगा है। टीम ने यह कार्रवाई आकस्मिक रूप से मिली एक शिकायत के उपरांत की। शिकायत मिलने के बाद टीम ने सुबह सुबह घर को चारों तरफ से घेर कर इस मामले में दस्तावेज खंगाले। टीम को जेवरात, नकदी और जमीन संबंधी करोड़ों रुपए के दस्तावेज मिले। ये समिति प्रबंधक है माधुशरण शर्मा, तो इनके विरुद्ध गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अपने पूरी सेवावधि में भ्रष्टाचार करके अवैध तरीके से लाखों करोड़ रुपये कमाई की गई है और बहुत प्रॉपर्टी कटी गई है। इस शिकायत की जांच गोविंद कराई गई और जांच उपरांत फिर माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके आज ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा एसपीओडब्ल्यू श्रीमती सिंह साहब के निर्देशन में आज छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में इनके घर से काफ़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और संवैधानिक जेवरात मिले हैं और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। इसकी वेरीफाई किया जा रहा है। अभी कार्रवाई चल रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे थे तो अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भी भेजिए, साथ ही पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।